हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? अनूप सेमवाल ब्लॉग में आपका स्वागत है। शाम के 5 बज चुके हैं। हमारे ऑफिस की हो चुकी है अब छुट्टी और अब मैं जा रहा हूं घूमने। अब मैं आपको दिखाता हूं यहां का आसपास का सुंदर सा नज़ारा। मैं ऐसी जगह दिखाता हूं जहां पे 2019 में ऑल वेदर रोड से पत्थर गिरा था, जहां पर मेरा परिवार भी रहता था। दिन की 2:30 बजे हम बाल बाल बचे वहां पे, जिसके बाद मुझे परिवार को देहरादून शिफ्ट करना पड़ा। अब वो जगह दिखाता हूं मैं आपको, आइए देखें। देखो, पहाड़ों में रहना कितना रिस्की है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पता नहीं कहां से आपदा आ जाए, कहां से पत्थर गिर जाए, कोई पता नहीं कब भूकंप आ जाए। देखिए, ये वही जगह है जहां पे 2019 में आपदा आई थी। NH-94 से पत्थर गिरा था, दोनों मकान क्षतिग्रस्त हुए थे। यहां से वो पत्थर गिरा था नीचे। देखिए, पूरा एक मकान तो पूरा ख़त्म हो गया था, दूसरा जिसमें हम रहते थे वो पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका था। ये देखिए, पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो चुका है। अब हम छोटू भाई की दुकान पर पहुंच चुके हैं, जहां पे आपको सारे सीजनल वेज, लोकल दालें सारी कुछ मिल जाएंगे। अभी ये भुट्टा बेच रहे हैं, अब हम भुट्टा खाएंगे, यहां पे भुट्टे का आनंद लेंगे। आप भी जब भी फकोट आए तो आप भी यहाँ पे आए छोटू की दुकान में, भुट्टे का आनंद लें। इसी के से 35 किलोमीटर की दूरी पे है ये फकोट, विकासखंड के पास में है ये। आए और भुट्टे का स्वाद चखें। भाई, कैसे लग रहा भुट्टा? फ्रेंड्स, मैं अभी कमरे पे पहुंच चुका हूं। शाम हो चुकी है, 7 बज चुकी है। अब मैं खाना बनाने की तैयारी करता हूं। आपको मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।